नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर एग्रो प्रोडक्ट्स पे। आज हम आपके लिए लेके आए स्टील का MS250, जिसको कैसे आपको चलाना है इसके बारे में हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। हमारा स्टील का MS250 चेन सॉ जितने भी आएंगे स्टील के काफ़ी हद तक सेम होते हैं, तो आज हम आपको 250 मॉडल में सिखा रहे हैं कि कैसे इसको चलाना है। पहले तो आपका गाइड बार चेन अलग से आएगा, ये आपके नट इसमें लगे हुए आएंगे। तो आपको करना क्या है, इसके साथ आपको ये जिसको कहते हैं स्पैनर प्लग पाना मिलेगा, तो यहाँ से आप इसको खोलेंगे, थोड़ा लूज करेंगे और यहाँ पे चेन लगा के इसको दोबारा से ऊपर बंद कर देंगे। थोड़ा सा इसमें आप उस चेन को लूज छोड़ेंगे ताकि आप, और उसके बाद इसको आप प्लेट लगा देंगे एंड इसको थोड़ा लाइट कर देंगे। यहाँ से आपको चेन एडजस्ट करनी है। चेन कभी भी आपने एडजस्ट जब करनी है तो ये टाइट नहीं होनी चाहिए, फुल टाइट, थोड़े से लूज होने चाहिए। तो जब हम थोड़ा सा इसको टाइट करना, पहले लूज होंगे, इसको यहाँ से टाइट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ प्लस का मतलब टाइट हो जाएगी, माइनस का मतलब लूज हो जाएगी। तो ये हो गई बात हमारी चेन को टाइट करने की और लूज़ करने की। अब हमें मशीन चलानी कैसे है, अब आप मशीन देखेंगे कि यहाँ पे पेट्रोल प्लस ऑयल लिखा हुआ है। अगर हम नॉर्मल कोई भी ऑयल डाल रहे हैं तो 1 लीटर में 40 ml टूटी ऑयल डलेगा, और अगर स्टील का डाल रहे हैं तो 1 लीटर में 20 ml टूटी डलेगा। यहाँ पे हमारा चेन ऑयल डलेगा जिसको हम टूटी ऑयल भी डाल सकते हैं इसमें। अब हम आते हैं मशीन की स्टार्टिंग पे। तो यहाँ पे हम पहले इसका ये सारी जो नॉमेनक्लेचर दिए हुए हैं तो इसको हम समझेंगे। ओ का मतलब है ऑफ, आई का मतलब है स्टार्ट, नीचे लगी हुई है चोक। अब चोक कैसे लगेगी, इसको दोनों को पकड़ेंगे, इसको दबाएंगे, यहाँ चोक लग जाएगी। ये हमें ध्यान रखना ज़रूरी है, सर्दियों में चोक लगाए बिना मशीन को ना चलाएं। चोक लगानी इसलिए ज़रूरी होती है कि मशीन को एक एक्स्ट्रा कम्फर्ट मिलता है जिससे मशीन जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो हमने लगा ली है चोक यहाँ पर, मशीन हमारी ओ पे नहीं है, ऑफ पे नहीं है, चोक पे है। अब यहाँ से हम इसको प्यार से, मशीन बोल गई, अब हमें चोक उतारनी है, आई पे ले आएंगे। तो आपने देखा कि ऑफ करने के लिए मैंने यहाँ ऑफ कर दिया, स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले चोक लगाई, इसको पकड़ के हमने चोक लगाई। जब मशीन एक बार ही बोल जाती है, स्टार्ट हो जाती है, तो हम इसकी चोक ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे फिर हम चेन चलाते हैं। ये क्या है, हमारा चेन लॉक है। यहाँ के अगर हम होता है तो ये चेन नहीं चलती है, लॉक होती है, और जब हम पीछे करते हैं तो यहाँ पे चेन हमारी चलती है। तो ऐसे ही आपको मशीन चलानी है, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है मशीन में या आपको मशीन चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको चेन सा चलाना आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएँ। अगर आपको मशीन को असेंबल कैसे करना है, जोड़ना कैसे, अगर ये जानना चाहते हैं तो हमारी बाकी वीडियोस में देख सकते हैं, उसमें ये आपको सिखाया गया है।